इधर देश भर में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां की जा रही है। ऐसे में कोरोना को मात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। मध्य प्रदेश में इसे लेकर तैयारियां कैसी हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी बैठक की है, मगर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन का संकट कितना बड़ा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, दूसरी लहर में हमने देखा कि एक बड़ा संकट ऑक्सीजन का था, सरकार भी परेशान हो रही थी, आम लोग भी परेशान थे। दूसरी लहर में निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण के इलाज के लिए ऑक्सीजन एक हमारे लिए बड़ी चुनौती थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्तैदी के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, उससे हमने ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश में कमी नहीं आने दी। तीसरी लहर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी हमें PSA प्लांट मिले हैं, उस पर बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट निर्देश है कि ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज दोनों पर राज्य सरकार काम करे, हम लगभग 169 PSA प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें से 25 बनकर तैयार हो गए, 148 पर काम चल रहा है, वो जल्द जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। स्टोरेज की कैपेसिटी हमने बढ़ाई है लगभग 750 मैट्रिक टन की, अभी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, इसको हम 300 और इन्हेंस कर रहे हैं, लगभग 850 की हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी LMO के स्टोरेज की। और ऑक्सीजन बेड हम बढ़ा रहे हैं, ICU बढ़ा रहे हैं, PQ पीडियाट्रिक ICU हम लगातार बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर का पैरेलल स्टाफ हमारे पास तैयार हो जाए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे जो मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको हम कोविड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनको पेरेंट्स को भी हम ट्रेनिंग दे पाए, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऑक्सीजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, उनके जो निर्देश होंगे प्रदेश सर उसको अक्षरशः पालन करेंगे। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही गई थी, इसको लेकर तो अब क्या तो बता रहे हैं 169 PSA प्लांट लग रहे हैं, अब तो आप देखेंगे तो एक एक जिले में दो दो तीन तीन ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं। और LMO के स्टोरेज के लिए भी हमने जहां मेडिकल कॉलेज में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो अब हर जिला अस्पताल में भी LMO का स्टोरेज हो सके इसकी हम व्यवस्था लग रहे हैं और लग चुके हैं। इसमें अगर आप देखें कि कितने लग चुके हैं, कितने बताया 25 तो बनकर तैयार हो गए जिन पर जनरेशन शुरू हो गया, 148 काम है, कोई 10 दिन में पूरा होगा, कोई 15 दिन में पूरा होगा, अलग अलग समय पर पूरा। यानी कम से कम तीसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट तो मध्य प्रदेश में नहीं, निश्चित रूप से हम पूरी तरह तैयार हैं। प्रार्थना तो भगवान से यही है कि तीसरी वेव ना आए, आएगी तो ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ईश्वर से प्रार्थना यही है कि तीसरी लहर कम से कम कोरोना की ना आए, मगर फिर भी अगर तीसरी लहर आती है तो इसको लेकर, ऑक्सीजन को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हैं। वीडियो एनालिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।